तो दोस्तों मेरे पास ये देख रहे होंगे होम थिएटर यहाँ पे रखा हुआ है। आपके पास भी कभी होम थिएटर आपने लिया होगा और शायद आपके पास होम थिएटर चल रहा हो घर में, तो आपको इस तरह से चलाना पड़ रहा होगा क्योंकि आपने जब कोने में प्लेस किया होगा इस सैटेलाइट स्पीकर को तो उसकी आवाज़ बहुत कम हो जाती है। दोस्तों आपने ऐसा देखा होगा कि आप सब वूफर से जब सैटेलाइट स्पीकर को थोड़ी सी दूरी पर लगाते हैं तो उसकी वायर थोड़ी छोटी हो जाती है। वायर को आपने एक्सटेंड किया होगा, एक्सटेंड करने के बाद एक प्रॉब्लम सामने आती है दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर को जब आपने वूफर से आप थोड़ा सा दूर पे लेके जाते हैं तो एक प्रॉब्लम सामने आती है, उसकी आवाज़ जो है बहुत कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट स्पीकर की आवाज़ बहुत कम हो जाती है, आपने ये देखा होगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है दोस्तों, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ और बहुत ही छोटी सी माइनर प्रॉब्लम है आपकी, सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो होम थिएटर के साउंड है बहुत ही गजब के होने वाले हैं। दूर करके भी सैटेलाइट स्पीकर को आप लगाएंगे, जितना भी दूर करें, जितनी भी वायर एक्सटेंड करें, कोने में कितना भी दूरी पे आप अपने सैटेलाइट स्पीकर को सेट करें और तब भी आपकी आवाज़ जो है आपके सैटेलाइट स्पीकर की आवाज़ उतनी रहेगी जितनी आप डायरेक्टली कनेक्ट करके सब वूफर से लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा सॉल्यूशन आपका। जी हाँ दोस्तों, ये सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, क्योंकि ये जो वायर आप देख रहे हैं ये वायर बहुत अच्छी है और ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं ये आपको लेना होगा और किस तरह से आपको बनानी पड़ेगी वायर, ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है इसी पे। तो चलिए दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि आपको वायर किस तरह की लेनी होगी, एक्सटेंड कैसे करें अपना होम थिएटर जिससे कि आपकी आवाज़ ख़राब ना हो। तो देखते रहिए खान टॉक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अपने होम थिएटर के स्पीकर्स की वायर को लंबा करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, ताकि हमारे जो होम थिएटर के स्पीकर हैं वो ठीक से प्लेस हो जाए और साउंड जो है काफ़ी अच्छा दे, तो उसके लिए सबसे अच्छी वायर जो होती है ये कॉपर की होती है। ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा गेज की वायर है, तो इतनी मोटी वायर आपको लेनी होगी। इस तरह की अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये जो वायर है ये आपको बिजली की शॉप से या फिर कोई टीवी रिपेयर की शॉप से मिल जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है और आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको भागीरथ पैलेस, जो दिल्ली लाल किला के सामने मार्केट है, वहाँ पर ये आराम से वायर मिल जाएगी। 8 से 10 रुपए मीटर के अंदर में ये वायर मिलती है, तो इसी तरह की आप वायर ले लीजिए। क्योंकि दूसरी जो वायर आती हैं वो चाइनीज़ वायर होती हैं, वो बिल्कुल बेकार होती हैं दोस्तों, वो आप ना लेकर के ये वाली वायर आपको लेनी पड़ेगी, ये बनानी पड़ती है आपको। उसके लिए दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती हैं, इसके साथ आपको ये भी लेना पड़ेगा। तो जितने सैटेलाइट स्पीकर हैं उसी के हिसाब से आपको ये लेना पड़ेगा। ये जो कनेक्टर है ये इसमें वायर में लग जाएगा और इसके साथ एक फीमेल कनेक्टर भी आपको लेना पड़ेगा। ये दो हैं फीमेल कनेक्टर, ये 3 का सेट आता है, 2 हैं, मैंने एक निकाल लिया है और आपको ये अलग करने होगा। उसके बाद जो है ये इस तरह से जॉइंट हो जाएगा, ये आपका वायर यहाँ पे आ जाएगा और जो सैटेलाइट स्पीकर का वायर है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ लगाना कैसा है दोस्तों, तो हम इसको जल्दी से लगा लेते हैं। इस तरह से इसमें डाल के रखना होगा ताकि जो है आपका वायर चिपक जाए। आप एक थोड़ा सा गिरा मार लीजिए, ये हमारा जो वायर है ये इसमें रहे और निकले नहीं। तो जो इसका प्लास्टिक था वो हमने कुछ इस तरह से ले लिया, प्लास्टिक इसके अंदर चला गया दोस्त। तो हम इसको पेच को पेचकस की मदद से खोल लेते हैं ताकि ये इसके अंदर वायर हमारा फिट हो जाए और इसके अंदर टाइट भी हमें करना होगा, तो ये थोड़ा सा खोल लेते हैं और इस एक वायर को हमें थोड़ा सा अंदर इसके अंदर करना होगा, डालना होगा पूरी तरह से। ये दो देखिए दोस्तों, एक वायर जो है हमने इसके अंदर डाल दी है और वायर अंदर डालने के बाद इसको फिर से हमें टाइट करना होगा। तो दोस्तों दूसरा जो वायर है इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए अच्छे से, ताकि इस जो ये पॉइंट है इस पे वायर, ये वाला वायर आना नहीं चाहिए, नहीं तो जो प्रॉब्लम आएगी आपकी आवाज़ सही नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको वायर यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे वायर रखने के बाद बिल्कुल ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वायर जो है इस पॉइंट पे आनी चाहिए दोस्तों। तो ये पॉइंट पे ये वायर आ गई है और अब हम इसको बिल्कुल दबा देंगे दोस्तों, इसको बिल्कुल दबा देते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से आपको दबानी होगी और ये वायर कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर ये निकलती है तो आपको अच्छे से दबाना होगा ताकि ये वायर जो है टाइट हो जाए और निकले नहीं इसके अंदर से। दोस्तों ये वायर टाइट हो गई है बिल्कुल और यहाँ से अब हम, तो दोस्तों प्लास्टिक हमारा इस तरह से आपको चढ़ा लेना होगा अपना, ताकि वायर बिल्कुल फिट रहे। तो ये बन गई हमारी वायर जो हमारे काम में आने वाली है अपने सैटेलाइट स्पीकर को लॉन्ग करने के लिए, ये पूरा प्रॉपर इस तरह से बनेगी दोस्तों। और दूसरी जो स्पीकर मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्पीकर है, आपको लगाना कैसा है, ये स्पीकर की वायर है। अब हमें इसके, ये दोनों मेल हैं, अब हमें क्या करना होगा तीसरा काम, कि इसको एक कनेक्टर चाहिए जो फीमेल होगा दोस्तों। जो मैंने आपको पहले कनेक्टर दिखाया था, ये पहले भी मैंने बताया था, ये 2 कनेक्टर हैं, आपको एक में से अलग करना होगा। ये इस तरह से मिलते हैं, 3 का पैक मिलता है, आपको एक एक करके लगाना होगा।
तो ये वाला जो फीमेल कनेक्टर है हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये स्पीकर का तार है हमारे, जो ये स्पीकर का तार आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला तार वो है जो हमने बनाया है ताकि हमारे बूफर में जा सके। तो ये हमने बना दिया है कुछ इस तरह से, तो ये हमने कुछ बना दिया है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये आ गया हमारे बूफर में जाने वाला तार, ये आपको सीधा बूफर में लगेगा, और यही कनेक्टर जो है आपको इस तार के लास्ट में लगाना होगा बिल्कुल इसी तरह से, और ताकि वो जो कनेक्टर है वो आपके सब बूफर में चला जाए। और सब बूफर में जाने के बाद ये वाला सैटेलाइट स्पीकर में इस तरह से जॉइंट हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको करना होगा, और ये जो स्पीकर है वो प्लेस करना होगा जहाँ आपको कौन से कोने में करना है रखना है। तो ये तैयार है दोस्तों, आपका जो साउंड निकलेगा काफ़ी अच्छा निकलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाइनीज़ वायर जो आती है मार्केट में 150-200 रुपये की, वो 10 मीटर आपको दे देगा, 12 मीटर दे देगा, लेकिन उसमें जो दिक्कत आती है उसमें आवाज़ नहीं आती। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने वायर ये अलग से लिया है और ये सॉकेट अलग से, सब कुछ अलग से लेकर के ये वायर बना दिया है। वायर बनाने के बाद जो बूफर के साउंड थे वो काफ़ी गजब के हुए हैं दोस्तों। इस तरह की टेक्निक आपको करनी होगी, देसी जुगाड़ है ये, चाइनीज़ में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं सस्ती, लेकिन उसमें हमें वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो हमें चाहिए होता है। तो आप ये करके देखिए दोस्तों, ये 100% ही वर्किंग चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, और मैं भी यही यूज़ करता हूँ। इसी तरह से मैंने अपने होम थिएटर को लंबा किया है, तार को लंबा किया है, और अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे दूसरे वाले फिलिप्स के होम थिएटर। मैंने वीडियो भी आपको दिखाया होगा अनबॉक्सिंग का, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल पे है वो वीडियो, आप देख लीजिए। फिलिप्स के अनबॉक्सिंग किया है मैंने, 5.1 होम थिएटर है, 120 वाट में काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो देखा आपने दोस्तों, हमने जो वायर है वो बना ली है, और कुछ इस तरह की आपको दिखाई होगी मैंने। तो इस तरह से आप वायर बना सकते हैं अपनी, और कितना भी दूरी पे आपने सैटेलाइट स्पीकर को सब बूफर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। हम साउंड के लिए इतने महंगे होम थिएटर लेते हैं, लेकिन जब हमें साउंड ही ना मिले तो उस होम थिएटर का फ़ायदा क्या है दोस्तों। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी बताएं, मैं सॉल्व करूँगा। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं फ़ौरन जवाब दूंगा उसका, और कोई डिटेल आपको जाननी हो वो भी मैं जल्दी बताऊंगा दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेगी, ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।